तिलक से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह करे कि इसी तरह खुश और आबाद रहें सारे अपने घरों में। अभी तकरीबन टाइम हुआ है 7:30 और अभी कसाई जो है वो आ गए हैं ऊपर, कुर्बानी जो है इस टाइम बस शुरू होने वाली है, अभी बस इंतज़ाम कर रहे हैं। तो मैंने कहा बस मैं जल्दी जल्दी जो है ना सुबह बस तैयार हो गई थी, क्योंकि हस्बैंड की तरफ से थोड़ी होती है मेहंदी मेरी, आप देख लें सिंपल सी मैंने अच्छा रात को लगाई थी। मैं सारे सीन्स ऐड कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं मेहंदी कैसे लगाती हूँ। और बाकी अल्लाह का शुक्र है, रात को क्या क्या किया था, बहुत बारिश हुई यहाँ पर सरगोधा में तो, और मौसम अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा कंपैरेटिवली जो पहले होता है ना उससे। लेकिन अभी क्योंकि सूरज निकल आया तो थोड़ी वो गर्मी हो गई है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा पंखे के नीचे नहीं लगती। तो मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आप लोगों की ईद अभी कैसी गुजर रही है। और अभी पहले हम रात का देख लेते हैं कि रात को कैसे मेहंदी लगाई, क्या क्या किया, सारे इंतजाम, और फिर इंशाल्लाह आज का जो ब्लॉग है ना वो कंटिन्यू करूँगी। देखिए जनाब हमारे सामने वाला पार्क जो है इस टाइम बकरा पार्क बना हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कॉलोनी की जो है बकरे इधर आए हुए हैं, और हमारे किधर है, ये हमारा लाडू एक यहाँ पे है और एक वो मैर साहब वो मैर रनिंग करवा रहा है। और अभी मैंने कपड़े भी प्रेस करने थे सबके, क्योंकि डेट टाइम में नाजनीन ने आज जो मेरी हेल्पर है उसने जल्दी जाना था, वो चली गई थी और अभी रात के 8 बज गए थे। तो मैंने कहा मैं जल्दी से पहले मीठा बना लूँ ताकि एक काम से फारिग हूँ। थोड़ा सा बटर मैंने पैन में लिया यहाँ पर और उसे थोड़ा मतलब सॉफ्ट किया, और इसके साथ अच्छा मैंने लजीज़ा का शीर खोरमा बना लिया था 2 पैकेट्स, क्योंकि मेरे बच्चे मीठा असल में इतना नहीं खाते, और मुझे ये भी होता है कि नहीं ईद वाले दिन फिर वो चीज़ ही नहीं होती अगर मीठा या इस तरह की कोई चीज़ ना बनी हुई हो। तो अब ये जनाब मीठा बना रहे हैं और इसको थोड़ा मैंने इसे 5 से 10 मिनट्स के लिए फ्राई करना होता है, इसी में सेवैयाँ शुगर और सारे ड्राई फ्रूट्स ना इसी के अंदर होते हैं। और दूसरी साइड के ऊपर मैंने 2 लीटर मिल्क जो है वो अच्छी तरह कुक होने के लिए, बॉयल तो हो ही जाता है, इसे कुक करना होता है ऑलमोस्ट काफ़ी मिनट्स के लिए ताकि थोड़ा थिक हो जाए, और फ्राई करके इन्हें मैंने मिक्स कर दिया। कुछ खाने के काबिल हुए तो मैं ये चीज़ें बनाती हूँ, नहीं तो माशाल्लाह से जब तुम लोग छोटे थे ना सुबह उठ के वही सैरी लाइक ईद के दिन भी पान रहते थे, वही फीडन पान रहते थे और वही सारा कुछ, और इवन के भी नहीं है। अच्छा खा रहे सारे जी, इसे 5 से 10 मिनट्स के लिए मैंने अच्छी तरह पकने के लिए छोड़ देना है, और स्पून में इसके अंदर ही रहने दूंगी, उससे ये होगा कि भाई ये उबलेगा नहीं। ड्राई फ्रूट्स में मैं सेपरेट कर लेती हूँ, अब इसकी ना ये क्वांटिटी रह गई है इतना कम से कम, अब मैंने इसको छोड़ के ना ये रख देना मतलब ठंडा होने के लिए मैं रख दूंगी, और जब ठंडा हो जाएगा ना ये फिर इसको सर्विंग ट्रे में डाल के तो फ्रीजर में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, और उसके ऊपर से ना फिर मैं ड्राई ये जो कट किया ना ये ऊपर से काट दूंगी। तो अभी बस मैं स्टोव जो है फ्लेम इसको बंद कर दूंगी और आप कपड़े जल्दी से प्रेस करते हैं। आज उसे जनाब नासिर साहब को अल्लाह लंबी जिंदगी दे, सबको ऐसे हस्बैंड भी मिले। थोड़े से कपड़े मैंने कहा है मैं साथ करवा दें, मैंने मीठा भी बना लिया है। अबीशा की नमाज पढ़ के बच्चे आए हैं, उज़ैर को एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो मेल आ गई है, और वो आराम से मोबाइल लेके यहाँ पे बैठ गए हैं रिप्लाई करने के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ, उमैर भी अपना ऊपर गया, उसको मैंने कहा अपने ड्रेसेस लेकर आओ, और मैंने कहा बस एक 2 सूट नासिर साहब कर दें तो बाकी के मैं प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि फिर रात को आज जल्दी सोना है। ये सारे टैग्स मैंने भी उतारे हैं जो न्यू ड्रेसेस हैं, और मलिक साहब मुझे मेहंदी भी लगानी है, मेहंदी भी और जल्दी सोना भी है, तो उठना भी है, उठना भी है। आए जरा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, एक लड़का यहाँ पे कुछ कर रहा है, खोलो जरा, टूट जाएगा ऊपर से टूट जाएगा, ये देखे ये माँ जित के चाय चाय बना रहे इधर सबके लिए, और सबसे अच्छी जो है ना वो शाम चाय बनाता। अच्छा जब मैं बोली हूँ ना कि मैं आपको दिखाती हूँ शाम क्या कर रहा है, तो उसने पहले डोर बंद कर लिया। चलिए जब माशाल्लाह से 10 बज गए और हमारा दिल है कि हम, वरना तो डेली बहुत देर हो जाती है, तो 12 बजे से पहले पहले ना लेट जाएं।
जनाब 11:30 हो चुके हैं रात के और इस टाइम सरगोधा में बहुत बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ड्रेसेस जो हैं सारे मैंने यहाँ पर अभी सेपरेट कर दिए हैं और मीठा भी बन गया है, उसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया है और अभी ये नेल वगैरह मैंने चेंज करने हैं और मेरा दिल है मैं मेहंदी भी लगा लूँ। अच्छा, ये मैंने जो ड्रेस है ना, ये कुछ अर्सा पहले स्टिच ही करवाया था मुझे, आई थिंक PR में रिसीव हुआ था तो मैंने स्टिचिंग करवा ली थी इसकी, और ये सुबह के टाइम इंशाल्लाह पहनूंगी क्योंकि थोड़ा डार्क है कलर और ज़रा मैनेज करना भी आसान हो जाएगा, और इसके दुपट्टे के ऊपर भी ना इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है। बहरहाल पूरी लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और अभी मैं बस बच्चों के हैंगर्स में सबके लगा के ना, मेरा दिल है सबके ना वॉशरूम में मैं ये लगा दूँ ताकि सुबह कोई ढूंढता ना रहे कि ये मेरा कौन सा है और मेरी शलवार किधर है और मेरा कुर्ता किधर है। और फिर मेहंदी तक पहुंचते पहुंचते ना तकरीबन रात के 1:30 बज चुके थे यहाँ पर, और उस टाइम मैंने मेहंदी लगानी स्टार्ट की थी। एक हाथ पर पहले लगाई, 20 मिनट आई थिंक उसे ड्राई होने में लगे थे क्योंकि फ़ैन भी चल रहा था, और उसके बाद इसे वॉश करके ना इस हैंड को फिर मैंने इसी के साथ दूसरी हैंड के ऊपर लगाई थी। तो इस ये जो पहली है ये तो ज़ाहरा भी जागा हुआ था, उसने शूट की और फिर वो सो गया था, तो ये देखें आप, ये मेरे हस्बैंड ने शूट की और ये वाला हाथ जो है ये मैंने वॉश कर लिया था उस वक्त। लेकिन काम थे कि ख़त्म ही नहीं ना होते, मुझे नहीं पता कि कहाँ से इतने काम आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ़ से जनाब सबको बहुत 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 ईद मुबारक। सबसे पहले तो भाई जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। माशाल्लाह से सुबह मौसम बहुत प्यारा है, सारी रात जो है वो बारिश होती रही है, पानी यहाँ पे भी खड़ा हुआ है, मौसम माशाल्लाह बारिश बहुत ही अच्छा है। अभी जो है वो ऐलान कर रहे हैं कि 6 बजे नमाज होगी और अभी हो गया 5:30। मैंने क्योंकि वीडियो आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करना था तो मैं उठ भी जल्दी गई थी ताकि ना मैं आसानी से सारा आप लोगों के साथ शूट कर सकूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया, रात को बारिश काफ़ी देर रही है, अभी तक रही है। और मैंने जनाब ये देख लें, शीर खुरमा बनाया था रात को और मैंने ऑलमोस्ट इसे फ्रीज़र में काफ़ी देर के लिए रखा है, और अब ये देखें फिर इसके मैंने पीसेज ऐसे कट किए हैं और ये डिश आउट करके इसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट वगैरह वो बस उससे गार्निश से कर लिया, और साथ पानी और ये मैंने रख दिया। बच्चे अब बस शावर ले रहे हैं, जल्दी से आएंगे तो यहीं से खा के ना जाना शुरू हो जाएंगे। अभी बाहर देख लें, अभी मैंने अंदर सारी लाइट्स ऑन की हुई हैं, ज़ाहिर अभी 6 o'clock भी नहीं हुए तो जो इतनी ही लाइट है। अब बच्चे तीनों माशाल्लाह से रेडी हो रहे हैं। वालेकुम सलाम, ठीक है मेरा बच्चा रेडी होके सबसे पहले आके ज़रा टेस्ट करके बताओ कैसा बना। मजे के टेस्टी, अब देखो 15 मिनट रह गए। हाँ नहीं, मैं तो अब अपना काम कर लिया, बस वो लोग भी आ रहे हैं, चलो जल्दी से खा लो मेरे बेटे। अल्लाह का शुक्र है बच्चे टाइम से रेडी हो गए थे और पूरे अभी नमाज से पहले मतलब चले गए थे मस्जिद, और हमने रात को एक ट्रांजिशन वीडियो का जो बिफ़ोर होता है वो रात को शूट कर लिया था, और मुझे ये था कि बस ये आते जाएंगे ना तो जल्दी से हम वो उसकी जो आफ्टर या ड्रेस चेंज करने के बाद की होती है हमने वो शूट करनी है, क्योंकि 7 o'clock का मेरे हस्बैंड ने टाइम दिया हुआ था कसाईयों को कि वो जल्दी से आएँ और हम ना बस जल्दी से कुर्बानी कर लें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर में सुकून और खुशी हो, इससे बड़ी कोई बात नहीं। अल्लाह बस हर माँ का घर इसी तरह ईद वाले दिन और हर रोज़ जो है वो खुशियों से भरा रहे। अगर माँ के मैं कहती हूँ बच्चे खुश हैं ना तो उसके लिए ये दुनिया जन्नत है। तो बस हमने जल्दी जल्दी से ये वीडियो 5 मिनट में की क्योंकि पूरे 7 o'clock ना कुर्बानी जो थी अल्लाह का शुक्र है हमारी शुरू हो गई। कल मैंने वो लगाया था जो आप रात को मेरी हेल्प करा रहे थे ना, जिसमें हाँ प्रेस कर रहे थे, तो एक ने कमेंट किया कि ये आंटी ये है शाम का रहा प्रेस। मैं कहा शाम कुछ कार ना ले, ये शाम करता है, ये देख ये है शाम, ये कड़िया बांध के तो लेट जाता है बच्चे। ये सुने बेटे ने, ये नाजमीन ये क्या है, ये पुलाव का मसाला बन रहा है और ये मटन पुलाव बनेगा, और ये मटन जो है ये गल गया,
गलत सही देखती है वो। और ये साथ जो कलेजी है ये हल्की सी बस फ्राई की है थोड़ा सा मसाला लगा के क्योंकि बच्चे नहीं खाते। खाना बनाते हुए मैंने शूटिंग तो की थी, पता नहीं क्यों कैमरा इतना ज़्यादा मूव कर रहा था। ये जनाब मटन कोरमा बनाया था और साथ में पुलाव बनाया है जो मैंने नाज़नीन ने भी यहाँ पर रख दिया डाइनिंग टेबल के ऊपर। और नासर क्योंकि गेम में बड़ी कुर्बानी में जो हिस्सा डाला हुए थे, दो हिस्से किए हुए थे ना उसके भी, मतलब चार कुर्बानियाँ की, तो वो लेने के लिए चले गए थे। और बच्चे जो हैं इस टाइम सोए हुए हैं, तो मैंने उसे कहा बस तुम खाना रख के तो तुम चली जाओ। अब वो जो है वो चली गई है और बच्चे जो हैं अभी सोए हुए हैं। मेरा दिल है कभी घंटा एक और सो जाए, क्योंकि रात को असल में बारिश शुरू हो गई थी तो फिर बच्चे बिना ये सोए हुए हैं। तो बस अभी इनके पापा आएंगे तो वो आ जाएँ एक दफ़ा, तो फिर मैं इनको जगाती हूँ, तो फिर खाना शाना खा के तो फिर इंशाल्लाह हम अम्मी के घर जाएंगे। तो वहाँ पे फिर अगर शूट किया तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। चलें जी, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।